घर बनाना हर इंसान का सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिए वह हर तरह के प्रयास करता है। लोगों के इसी सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने पीएम आवास योजना का संचालन किया। इस योजना के तहत देश में अब तक करोड़ों की संख्या में घरों का निर्माण हो चुका है। वहीं अब भी बहुत से घर योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक नहीं बल्कि दो बड़ी खुशखबरियां हैं। दरअसल उद्योग संगठन CII ने सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना को फिर से लॉन्च करने की अपील करते हुए इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा को अनिवार्य किए जाने की बात कही है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को इस योजना का लोन मिलता है उनके लिए अनिवार्य तौर पर इंश्योरेंस की सुविधा देने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ बीमा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य देश के हर परिवार के लिए एक पक्के घर का निर्माण करके देना है। सरकार द्वारा देश में हर तरफ पक्के घर के सपने को पूरा करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। इसके साथ ही अब उधारकर्ता की मृत्यु हो जाए या कोई विकलांग हो जाए तो उसके घर के सपने को साकार करने के लिए सरकार से लोन के साथ जीवन बीमा का लाभ देने की भी मांग की गई है। क्या है CII की मांग? भारत सरकार द्वारा पीएम आवास योजना के तहत अगर CII की मांग को मंजूरी मिलती है तो देश के लोगों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तक इस योजना में लोन लेने वाले व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के कवर की सुविधा नहीं है। लोन के साथ इनबिल्ट इंश्योरेंस प्लान का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। CII का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन के साथ इंश्योरेंस का लाभ मिल जाए तो विपरीत परिस्थितियों में घर का खर्च भी चलता रहेगा और घर बनने का काम भी नहीं रुकेगा। इससे एक तरह से लोगों पर लोन चुकता करने का दबाव भी नहीं बनेगा। इंश्योरेंस करने से क्या होगा लाभ? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंश्योरेंस को मंजूरी मिलने से कई लाभ होंगे। इसे लेकर CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि PMY स्कीम को फिर से लॉन्च करने की जरूरत है, जिसके साथ क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस या अनिवार्य रूप से हर लोन लेने वाले व्यक्ति को जीवन बीमा का लाभ दिया जा सकता है। इससे सबको आवास के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उधारकर्ता की मृत्यु होने या विकलांग होने पर भी घर बनने का काम नहीं रुकेगा। कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार को घर मिले, न कि लोन। इसमें जीवन बीमा एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। पीएम आवास योजना के तहत अगर उधारकर्ता की मृत्यु हो जाए तो घर बनने से रुक जाएगा और लोन का असर अलग होगा, परिवार भी बदहाल हो जाएगा। कोरोना काल में लोगों की इनकम पर गंभीर असर पड़ा है, वहीं दूसरी लहर ने बची कसर भी पूरी कर दी। लोगों के लिए ऐसी स्थिति में आर्थिक मदद बहुत बड़ी जरूरत है। अगर पीएम आवास योजना के साथ जीवन बीमा को भी जोड़ दिया जाए तो आर्थिक रूप से परेशान लोगों को बड़ा लाभ हो सकता है। इस प्लान के तहत सरकार चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रीमियम तक कर सकती है। इसके माध्यम से बीमा देने वाली कंपनी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को क्रेडिट कवर दे सकती है। यह सुविधा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि जब व्यक्ति को लोन दिया जाए तो उसी समय बीमा कवर का लाभ भी दे दिया जाए।